भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे पूर्व नायब तहसीलदार अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने आज पूर्व नायब तहसीलदार को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। वहीं खुद पर लगे आरोपों को लेकर पूर्व नायब तहसीलदार का यही कहना है कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं। क्या ये पूरा मामला है, क्या इन पर आरोप लगे हैं, दिखाते हैं आपको। भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे अंबाला छावनी के पूर्व नायब तहसीलदार बोधराज की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद पूर्व नायब तहसीलदार को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने पूर्व नायब तहसीलदार को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूर्व नायब तहसीलदार से रिकवरी करने के लिए उन्हें रिमांड पर लिया गया है। आज साहब ने श्री बोधराज जी का नायब तहसीलदार जो रिटायर हैं इनका एक दिन का रिमांड मंजूर किया है, जिसमें हमने इनसे रिकवरी करनी है और इसकी प्रॉपर्टी बारे पता किया जाना है। बता दें कि अंबाला छावनी में इंतकाल दर्ज करवाने के मामले में पूर्व नायब तहसीलदार बोधराज पर रिश्वत मांगने के आरोप लगे थे। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि पहले उससे 2 लाख रुपए की मांग की गई और जब उसने अधिकारी को 1 लाख रुपए दे दिए तो अधिकारी का लालच और जाग गया, जिसके बाद अधिकारी ने इंतकाल दर्ज करने के लिए 5 लाख की डिमांड कर दी। ऐसे में शिकायतकर्ता ने पहले विजिलेंस और उसके बाद गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने पूर्व नायब तहसीलदार के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू की। क्या मामला था? मेरा एक प्लॉट था जिसका मैंने इंतकाल करवाना था, जिसकी बाबत मैंने नायब तहसीलदार अंबाला छावनी को एक प्रार्थना पत्र दिया और इंतकाल को दर्ज व मंजूर करने के लिए मैंने उनसे कहा। तो इस बाबत जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मेरे से इस इंतकाल को मंजूर करने के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड करी और 1 लाख रुपए मैंने उनको बकायदा बैंक से निकलवा के दिया, लेकिन एट द टाइम ऑफ द पब्लिकेशन और बाकी फॉर्मेलिटीज के टाइम उन्होंने कहा जी मैं इस इंतकाल को मंजूर करने के लिए 5 लाख रुपए लूँगा, अगर आप 5 लाख रुपए नहीं देंगे तो मैं इस इंतकाल को खारिज कर दूँगा। तो मैं इस बात से बड़ा दुखी हुआ, इसको लेकर मैंने एक DIG विजिलेंस श्री अशोक कुमार जी को 2 तारीख को दरखास्त दी और क्योंकि मैं श्योर था कि भी उन्होंने मेरे से बैलेंस पेमेंट और लेनी है और बकायदा वो रेड हैंडेड में उन्हें पकड़वाना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों विजिलेंस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी और उन्होंने मेरे पत्र को स्टेट विजिलेंस के पास भेज दिया और साथ ही साथ मैंने उपायुक्त महोदय को भी एक दरखास्त दी। उसके बाद 5 तारीख को माननीय गृह व स्थानीय निकाय मंत्री श्री अनिल विज जी को मैंने एक दरखास्त इस बाबत दी कि भी इस तरह मेरे से पहले 2 लाख रुपए मांगे, फिर 5 लाख रुपए मांगे और 1 लाख रुपए मेरे से लिए हैं और वो 1 लाख रुपए बकायदा मैंने बैंक से निकलवा कर दिए हैं। कोर्ट ने पूर्व नायब तहसीलदार को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है, लेकिन पूर्व नायब तहसीलदार खुद पर लगे सभी आरोपों को झूठा बता रहे हैं। बिल्कुल झूठे हैं जी, एलिगेशन फेक हैं, कोई पैसा नहीं मांगा, कभी कोई लिया नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग दस्तावेज भी कुछ भी नहीं है। हाँ, पूर्व नायब तहसीलदार खुद पर लगे आरोपों को झूठा बता रहे हैं, तो वहीं शिकायतकर्ता की माने तो पूर्व नायब तहसीलदार ने इंतकाल दर्ज करने के लिए सबसे पहले उनसे 2 लाख रुपए की डिमांड की थी। जब शिकायतकर्ता ने इन्हें 1 लाख रुपए दे दिए तो उसके बाद पूर्व नायब तहसीलदार का लालच और जाग गया और उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड करना शुरू कर दिया। खैर, क्या कुछ इस पूरे मामले की सच्चाई है, शिकायतकर्ता के आरोपों में कितनी सत्यता है, इस बात की जांच में पुलिस जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने एक दिन के रिमांड पर पूर्व तहसीलदार को लिया है और देखने वाली बात यही होगी कि क्या पुलिस अपने कहे अनुसार रिकवरी करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें।